चक 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 एक्सेंट वाले भैया बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा है, व्हाइट स्मोक आ रहा है, इसको चेक कराओ, इंजन में प्रॉब्लम है। चलो चले 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 शाम हो जाती है ना, धूप एक्चुअल में निकल ही नहीं रही है, नाम की धूप निकल रही है, 2-3 घंटे की धूप है मुश्किल से, मान लो आप उस धूप में ना, धूप में निकलने का सोचता हूँ मैं, लेकिन यहाँ लेट हो जाता है काम करते करते, और क्या करें, धूप में ना वीडियोस अच्छी बनती हैं, लाइक आपको दिखता भी अच्छा है और थोड़ी सी रोड भी खाली मिलती है, शाम होते होते रोड भी थोड़ा सा रशी हो जाती है। ओ भाई साहब, हमारे लेफ्ट साइड में आगे जा रही है क्रॉस पोलो, चली गई, अब मैं क्या दिखाऊँ आपको। तो क्रॉस पोलो का भी यार एक सीन था, लाइक वो आई बट वो उतनी बिक नहीं पाई, क्योंकि ना पोलो एक हैचबैक है यार, हैचबैक में वो फील आप दे रहे हो लाइक रगेड फील, तो वो कैसे चलेगा, कैसे चलेगा बताओ मुझे। चलो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 लेकिन यार ट्रैफिक थोड़ी सी ज़्यादा है यार। ओ भाई साहब देखो 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 क्या जा रहा है, ये एक डिज़ायर है जो कि क्या हो गया इसको, देखो भाई साहब एकदम खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है इसका लग रहा है। ओ भाई देख लो भाई, सेफ्टी सेफ्टी, गाड़ी ऐसी खरीदो जो आपकी और आपकी फैमिली की सेफ्टी रखे, आपकी और आपकी फैमिली की जान बहुत इम्पोर्टेंट है, तो भाई गाड़ी ऐसे ही मत खरीद लो कि माइलेज अच्छा आ रहा है और सस्ती गाड़ी मिल रही है, रीसेल वैल्यू अच्छी है, ना 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 वो मत देखो, आगे देखो। गाड़ी खरीदनी है तो बाबा ऐसी खरीदो अगर आपके पास पैसा है तो, और जो ना तो हर कोई खरीदता है भाई, ये खरीदो अपनी टिगुआन, बहुत ही क्लासी गाड़ी है, ओवर प्राइस है लेकिन भाई गाड़ी है दमदार, बहुत बढ़िया गाड़ी है, और इसके फीचर्स भी सारे हैं, फीचर्स इसमें सब कुछ है, एकदम कूट कूट के भरा हुआ है। बाकी इंजन तो इसका 2 लीटर TSI इंजन भी आता है इसमें, और आई थिंक TDI भी आता है, अब तो पेट्रोल में ही आती है, और 5 सीटर ही आती है, अब 7 सीटर नहीं आती। अरे मैं क्या करूँ, मैं मुझे थोड़ा सा फन करने का मन था, मैं ऐसे कर रहा हूँ, कोई नहीं, चलो 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 चलो, थोड़ा सा फन तो ज़रूरी होता है, थोड़ा कर लेंगे तो क्या चला जाएगा है भाई। प्यार से और प्यार से और प्यार से, मैं बहुत ज़्यादा रफ ड्राइव नहीं करता हूँ यार, मैं मतलब फन के लिए बहुत ही आराम से चला लेता हूँ, और थोड़ा सा एंटिसिपेट मैं ज़्यादा करता हूँ, अगर मुझे लगता है कि आगे दूर तक विजन में मुझे क्लैरिटी लग रही होती है, मैं निकल जाऊँगा तो ही मैं स्पीड को कंटिन्यूटी में तेज़ रखता हूँ, अदरवाइज़ मैं उसको धीमी कर देता हूँ। जैसे कि अभी सिचुएशन देख लीजिए आप, मैं तेज़ चला सकता था वहाँ, फिर मैं सडन ब्रेक मारता, अचानक से पूरी ब्रेकिंग करता, बट वैसा नहीं है अभी तो फ़िलहाल, देखो यहाँ पर ट्रैफिक है तो ऑप्शन ही नहीं है निकलने का, तो वो चीज़ है। अब जब यहाँ पर मुझे खुला दिख रहा है, मुझे अर्टिगा के पास भी खुली जगह दिख रही है, और वैगनार और अर्टिगा के बीच में भी अच्छी जगह है, मैं निकल सकता हूँ आराम से, इधर से BMW आ गई है, और BMW नहीं है बाबा एकॉर्ड है, ये तो होंडा की बहुत अच्छे से मॉडिफाई कर रखी है इन्होंने, आगे निकलते हैं इससे, और ये बस आ गई है, बस को लेफ्ट ओवरटेक नहीं करना चाहिए, लेकिन जगह मुझे पूरी दिख रही है तो मैं निकल जाऊंगा आराम से, और इसको ओवरटेक करने के बाद मैं राइट लेन में, मुझे जगह दिख रही है और लेफ्ट में भी दिख रही है, मैं पहले राइट में चलूंगा, सनी के पीछे जाऊंगा, और लेफ्ट में लेते हुए मुझे ऑल्टो के आगे भी स्पेस दिख रही है, लेकिन वैगनार थोड़ा धीमे चल रही है इसलिए मुझे धीमे होना पड़ेगा, और राइट में कट करके मैं हुंडई एक्सेंट के पीछे जाऊंगा, और फिर पूरा लेफ्ट में कट करके इंडिकेटर देके मैं ऑल्टो के आगे आ जाऊंगा। आगे वाले चल रही है ब्रेजा, और ब्रेजा ने लेन चेंज कर ली है और वो बीच बीच में चल रही है, तो अपन क्या करेंगे, थोड़ी सी गाड़ी धीमी कर लेंगे, ब्रेजा के आगे स्पेस अपने को नहीं समझ में आ रहा है, और ब्रेजा ने एकदम ब्रेक मार दी है। ऐसा क्यों किया है भाई, मत करो ऐसा मत करो, बलिनो वाले भैया ने मार दी थी ब्रेक, इनकी जमी हुई गाड़ी है पूरी, कोई बात नहीं है, खलल था। अब हम आगे निकल चुके हैं I-20 को क्रॉस करते हुए, अब यहाँ से हम इंडिकेटर देते हुए राइट मोस्ट लेन में जाएंगे आराम से, बिल्कुल प्यार से, कोई जल्दबाजी नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल प्यार से चलते रहेंगे। आगे मुझे दिख रहा है कि विजिबिलिटी है अच्छी खासी है, और हम लेफ्ट में जाके निकल सकते हैं, लेकिन अपनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि अपने को धीमे करना पड़ेगा, और इसके पीछे अपने को एलिवेट दिख रही है, एलिवेट की तरफ हम बढ़ेंगे, और लेफ्ट साइड में बाइक जा रही है इसलिए हम ज़्यादा लेफ्ट में स्पीड में कट नहीं करेंगे, राइट में अपने को मार्जिन मिल गया है और हम निकल लेंगे अर्टिगा के पीछे। अर्टिगा अपनी जो टैक्सी है
अब यहाँ से अपने को फिर से लेन चेंज करने का मौका मिलेगा, वैसे ही हम लेन चेंज कर लेंगे, लेकिन अभी अभी उतना सेफ नहीं है सारी चीज़ों में लेन चेंज करना, क्योंकि देखिए गाड़ियों के बीच का मार्जिन जो है वो अनइवन से चल रहा है। और अपन अब ऑल्टो के पीछे करेंगे, ऑल्टो को ट्रेल करेंगे, और ये ऑल्टो के पीछे अपन चल दिए 100 की स्पीड में। ऑल्टो वाले भैया चला रहे, क्या बात है भाई। ये देखिए ड्राइवर के ऊपर होता है सारी चीज़ें, अपन उस लेन को छोड़ देंगे और इस लेन में आ गए हैं जिसमें कि वरना बहुत धीमे धीमे चल रही है, कोई बात नहीं है। आगे किया वाले, ओहो ऑल्टो वाले भैया क्या कर रहे हो, ऑल्टो वाले भैया पूरे फॉर्म में है, तो अपन भी थोड़ा सा गेम तो खेल ही सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेफ्ट से ओवरटेक करते हुए वरना को हम आगे निकलेंगे। आगे है टियागो ईवी, और टियागो ईवी को भी हम ओवरटेक कर लेंगे। ऑल्टो वाले भैया क्या दम लगा के खींच रहे हैं, मजा आ गया ऑल्टो से रेस भाई, गजब है गजब। आज ऑल्टो वाले भैया क्या खटी मार रहे भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, देख रहे हो भाई मजा आ गया भाई। ऐसा होना चाहिए भाई, मतलब आदमी जिस हिसाब से गाड़ी चलाता है ना, गाड़ी कोई भी हो चलाने वाला होना चाहिए भाई, ये चीज है। ऑल्टो वाले भैया देखो पूरा पूरा कट मार के निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे आगे है स्कॉर्पियो एन। भाई सब लोग ही ऐसा भड़बड़ भड़बड़ कर रहे हैं कि या मुझे लग रहा है ऐसा कुछ, बट अपना कट आ गया है तो ऑल्टो वाले भैया को जाने देते हैं और हम यहाँ से ले लेते हैं लेफ्ट। निकल गया कट, अब तो चलना पड़ेगा भाई। अब ऑल्टो वाले भैया को थोड़ा आगे तक छोड़ के आते हैं क्योंकि वो बड़ा मजा दे रहे हैं यार, बहुत अच्छी गाड़ी चला रहे हैं ऑल्टो वाले भैया। ओके ऑल्टो वाले भैया टाटा बाबा, अब आगे निकलते हैं। और ये है अपनी अल्कज़ार और स्कॉर्पियो एन। ऑल्टो वाले भैया नहीं मानेंगे, पीछे से आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया स्पीड में आ रहे हैं ऑल्टो वाले भैया, राइट साइड से ओवरटेक करने की कोशिश, लेकिन अल्कज़ार आगे आ गए। ऑल्टो वाले भैया अपने पीछे जस्ट पीछे चल रहे हैं ट्रेलिंग करते हुए। अपन थोड़ा सा एक कट मारेंगे, रफ कट है ये थोड़ा सा, लेकिन चलेगा, अपन मार सकते हैं। और यहाँ से अपन आगे एक्सेल 6 पे आ गए हैं। ऑल्टो वाले भैया नहीं छोड़ रहे हैं, बिल्कुल चिपक के चल रहे हैं। आप अगर पीछे मेरे कैमरा लगा होता तो आप देख पाते कि ऑल्टो वाले भैया कितनी बढ़िया तरीके से ट्रेल कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई। ऑल्टो वाले भैया ने धीमी कर ली, धीमी कर ली, बहुत ही धीमी कर ली। चलो कोई ना, आज के लिए इतना काफी है। आई थिंक मजा आ गया है मुझे तो, और आप लोगों को भी मजा आया होगा। तो गाइस आई होप आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं ऐसी बहुत सारी बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा, तो मिलते हैं ऐसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ड्राइव सेफ।